25,452 हुई देश में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 724 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का अतिरिक्त महंगाई भत्ता नहीं देने के फैसले को राहुल गांधी ने असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया। दिल्ली के 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे पॉजिटिव। कोरोना को मात देने वालों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्लड प्लाज्मा दान करने की अपील की। कोरोना वायरस से इतर विदेशों में अन्य बीमारियों से मारे गए लोगों की डेड बॉडी भारत वापस लाने की मांग। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। गोवा मणिपुर के बाद त्रिपुरा भी कोरोना मुक्त हुआ। दोनों संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 11 भारतीयों की मौत। भारतीय दूतावास ने कहा, भारतीय नागरिकों की वतन वापस ले जाने की कोई योजना नहीं। कोरोना का म्यूचुअल फंड्स बाजार पर असर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 स्कीमों को बंद करने का ऐलान किया। मक्का मदीना के साथ साथ देशभर की मस्जिदें रमजान में बंद। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने घर में रहकर इबादत की अपील की। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बनी दवा रेमडेसिवायर ट्रायल में फेल हुई। चीन में चल रहा था ट्रायल। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 50,000 के पार हुआ। 8,86,000 से ज्यादा अमेरिकी कोरोना से संक्रमित हुए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,176 मौतें। और 27,00,000 के पार हुई दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,91,000 से ज्यादा मौतें।